students. Good morning. Today I have come with my 27th lecture video, which belongs to Geography, Chapter 3, Motions of the Earth. Some question answer are written in previous lecture video. Today I deal with question number G4. You open your copies and write the question answer of chapter 3, the motions of the earth. Number G4. Question is, what is inclination? How is it related to the day and night phenomena? इंक्लाइनेशन क्या है? दिन और रात की जो प्रक्रिया है इसका संबंध इस इंक्लाइनेशन से कैसे है? The answer is, at first, what is inclination? The answer is the imaginary Earth's axis, which is perpendicular to the equator, has a constant angle of inclination. Here is a full stop. The inclination of the earth to the plane of its orbit is 66 over 1 by 2 degree. ऑर्बिटल प्लेन पर अर्थ का इंक्लाइनेशन 66.5 डिग्री 66 over 1 by 2 degree है. ड्यू टू इंक्लाइनेशन एक्सेप्ट फॉर द प्लेसेज एट द इक्वेटर डेज एंड नाइट्स आर नॉट इक्वल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Question number 5th is, what do you understand by the solstices and equinoxes? The answer is, what is solstice? The solstices mark the longest and the shortest day of the year. Solstice का संबंध सबसे बड़ा और सबसे छोटे दिन से है. सोलिस्टिस सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन को दर्शाता है. द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्यूरिंग द समर सोलिस्टिस. समर सोलिस्टिस में सन का वर्टिकल रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री 23 over 1 by 2 degree नॉर्थ पे पड़ता है. समर सोलिस्टिस के समय इट फॉल्स ऑन 21st June. इट इज द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21st June को सबसे बड़ा दिन होता है. एंड इक्विनॉक्सेस इट इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग equal days and nights. Equinox Latin word है जिसका meaning होता है equal days and equal nights. On March 21st and September 23, the days and nights are equal throughout the world. ये 21st मार्च और 23rd सितंबर को पूरे वर्ल्ड में डेज एंड नाइट्स आर इक्वल. पूरे संसार में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं. नाउ इट इज द टर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, long answer question. The first question is, why are seasons so important? ये ऋतु
इतने महत्वपूर्ण क्यों है? द एंसर इज एज वी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ग्रेन्स वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स. इफ देयर वुड बी नो चेंज इन सीजन्स then we would not be able to enjoy different types of fruits, vegetables and food grains etc. Now question number second, what is winter solstice? Winter solstice, answer is winter solstice refers to the cold season. विंटर सोल्स्टिस का संबंध कोल्ड सीजन से है जो नवंबर से फरवरी तक रहता है. विंटर सोल्स्टिस रेफर्स टू द कोल्ड सीजन नवंबर टू फरवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एट द टाइम द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न it means 23 whole 1 by 2 degree south receives direct rays of the sun. The position of the earth is known as winter solstice. Northern hemisphere mein cold season ho raha hai, ho tropic of capricorn pe sun ka direct rays pade, इसे हम विंटर सोल्स्टिस कहते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आता है. इट फॉल्स ऑन दिसंबर 22. दिसंबर 22 विंटर सोल्स्टिस दिसंबर 22. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द इक्विनॉक्सेस. इक्विनॉक्स के समय अर्थ का पोजीशन कैसा रहता है? कौन क्वेश्चन? थर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज समर सोल्स्टिस? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज समर सोल्स्टिस रिलेट्स टू द पोजीशन ऑफ द अर्थ एंड वार्म टू हॉट सीजन. समर सोल्स्टिस का संबंध अर्थ के उस पोजीशन से है जो गर्म से बहुत गर्म सीजन की ओर जाता है. मई टू अगस्त इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इट ऑकर्स ऑन जून 21st विच इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. Now it is a term of question number 4. Question number 4 briefly explain the position of the earth during the equinoxes. Equinoxes के समय अर्थ का पोजीशन कैसा रहता है ये समझाना है. The answer is on March 21st and September 23rd. The duration of days and nights are equal throughout the world. विश्व भर में दिन और रात का 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है. On these two dates, on 21st and 21st March or 23rd September, both hemispheres are equally inclined towards the sun. दोनों हेमिस्फीयर का इंक्लाइनेशन सन की ओर होता है. इक्वली इंक्लाइन द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर सो डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑन द 21st मार्च एंड 23rd सितंबर. नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आई कम विथ Chapter 4 Geography Maps. That's all. Thank you for watching later video.